वेलकम बैक टू माई चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, नहाना धोना हो गया है, सारा काम पड़ चुका है और हस्बैंड भी जा चुके हैं क्लिनिक पे। बच्चे अभी सो रहे हैं और स्कूल से आके सो गए थे बच्चे, उनको मैंने खाना दे दिया था। तो क्या आज जैसे थोड़ा बहुत राशन ख़त्म हो गया था, राशन मंगवाया हुआ है मैंने और राशन आया है, तो वो डब्बों में फिल करना है मुझे। तो डिब्बे वगैरह सारे धोकर मैंने धूप में सुबह रख दिए थे मॉर्निंग में ही, और अब धूप लग गई है, बस वो डिब्बे लेकर आने हैं, उसके अंदर सारा सामान भर रहा है। और मैं आपको बताऊँ, मैं ना गरम मसाला जो है वो घर पर ही बनाती हूँ, और जो घर का गरम मसाला होता है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है उसका, और सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं उससे, और उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। जो रेडीमेड होता है, देखो रेडीमेड गरम मसाला अपनी जगह है, लेकिन जो रेडीमेड होता है ना वो उसमें वो बात नहीं होती जो घर पर बनाओ। तो मैं हमेशा ही गरम मसाला घर पर ही बनाती हूँ। तो चलिए छत पर चलते हैं और लेकर चलती हूँ आपको छत पर। धूप में मैंने रखे हुए मसाले, तो आप भी देखिएगा कि छत पर क्या हो रहा है। वैसे तो बच्चे वगैरह तो सब सो रहे हैं और बस मैं ही हूँ जो जागी हुई हूँ, और आज थोड़ा सा काम निपटाना था तो मैंने सोचा चलो जब तक रूम में रहो तब तक तो अच्छा है, और रूम से बाहर निकलते ही इतनी गर्मी है ना, बहुत बुरा हाल है। ये हमारी मम्मी देखी होगी कई लोगों ने, तो पहले मैंने डाली है ब्लॉग में। अभी तो धूप आ रही है, हम लोग आ गए हैं छत पे। छत पे भी रूम वगैरह बने हुए हमारे, ये देखिए। और तो ये देखिए, मैंने ये गरम मसाला सूखने के लिए रखा था, और ये जीरा है, और ये दालचीनी है, मोटी इलायची है, लौंग है, और इसमें है काली मिर्च। काली मिर्च मैंने थोड़ी ज़्यादा करके रखी है, क्योंकि पीस के अलग भी रखनी होती है, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है ना, तो इसलिए। चलिए इनको लेके चलते हैं, फिर इनको मिक्सी जार में डालकर इनको पीसते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ राशन का सामान आया था, और ये दालें वगैरह, ग्रीन टी, हेयर कलर, और सब सामान जैसा भी राशन वगैरह होता है, तो थोड़ा बहुत राशन जो ख़त्म हो गया था वो मैंने मंगवाया था। और वैसे तो सारा सामान था ही, लेकिन जो दालें वगैरह कम थी वो मंगाई थी, और ये जीरा हो गया, ये सब चीज़ें। और गरम मसाला बनाना था मुझे घर पे ही, क्योंकि मैं घर पर ही बनाती हूँ। ये देखिए डिब्बे मैंने ना धोकर मॉर्निंग में ही धूप में रख दिए थे और सुखा लिए हैं ये। अब मैं इसमें सारा जितना भी राशन है सारा फिल करूँगी। तो देखिए, जैसे गरम मसाला होता है तो लौंग, इलायची, दालचीनी, जीरा और काली मिर्च, ये सब मिला कर ना मैं घर पर ही रेडी करती हूँ, क्योंकि जो बाहर का गरम मसाला होता है ना वो इतना पसंद नहीं आता हमें, और जो घर का बना हुआ होता है उसका टेस्ट ही अलग हो जाता है, तो वो बहुत अच्छा रहता है, तो मैं घर पर ही बनाती हूँ। तो ये देखिए, मैं सारे डिब्बों में दालें वगैरह फिल कर रही हूँ, और थोड़े बहुत साबुत मसाले आए हैं वो भी फिल करूँगी। बाकी का सामान तो था, तो मैंने बस इतना ही मंगाया है, और थोड़ा बहुत वैसे भी जो रेगुलर वाला होता है वो भी ज़रूरत थी तो वो मंगाया था। तो एक ही डिब्बे में सारे पैक करके सब लगा दूँगी और किचन में। और देखिए फ्रेंड्स, बच्चे अभी स्कूल गए हुए हैं, तो मैंने सोचा चलो बच्चों के आने तक मैं अपना ये काम भी निपटा लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के आने के बाद तो बिल्कुल फुर्सत ही नहीं मिलती ये सब काम करने के लिए। तो ये सब काम करने का वैसे भी टाइम नहीं मिल पा रहा है आजकल, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी हो गया है मेरा शेड्यूल, जैसा कि सबको पता ही है जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं। तो बस ये दालें वगैरह सब सेट कर दूँगी मैं टाइम से, बच्चों के आने से पहले पहले, फिर उनको खाना बना के भी देना होता है, तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी फ्री होने की कोशिश कर रही हूँ। और मैंने ये वीडियो जो है फास्ट कर दिया है, क्योंकि अगर मैं धीरे रखती तो पता नहीं कितना लंबा हो जाता। यहाँ पर देखिए, मैं मिक्सी निकाल रही थी, क्योंकि मुझे ना मसाले पीसने थे, साबुत वाले मसाले, तो मैंने धूप लगवाई थी, छत पर रखा हुआ था मॉर्निंग से ही, और ये मैं ले आई थी बच्चों के आने से पहले पहले, मैंने सोचा चलो पीस के रख देती हूँ। और मैं मसाले घर पे पीसती हूँ, और ना बहुत ज़्यादा करके पीस लेती हूँ, ताकि जो है काफ़ी टाइम तक का काम चल जाए मेरा, क्योंकि बार बार ये सब करना थोड़ा सा लगता है, क्योंकि इन कामों में टाइम लगता है,
और जितना हो सके सब रेडी रहना चाहिए काम। तो मसाले पीस के मैं एक डब्बों में फिल करके रख दूँगी, मेरे 2-3 डब्बे फिल हो जाते हैं, इतना मसाला मैं पीस के रख देती हूँ गरम मसाला। और इसकी खुशबू मैं दिखा रही थी, खुशबू इसकी बहुत अच्छी आ रही थी। तो बस मसाले पीसने के बाद मैं धनिया भी पीस लूँगी, साबुत वाला धनिया जो होता है, धनिया पाउडर भी मैं घर पर ही पीसती हूँ, मैं रेडीमेड नहीं लाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा गरम मसाला हो गया है पिसकर रेडी, और मैं ये छानती जाऊंगी साथ साथ ही, और जितना भी थोड़ा सा मोटा मोटा रह जाता है ना, उसको मैं मिक्सी में दोबारा से पीस लूँगी। ऐसे करते करते ये पूरा पिस जाएगा और सारा मसाला जो है बहुत अच्छे से बारीक मसाला एकदम रेडी हो जाएगा, जैसे रेडीमेड होता है। तो देखिएगा मेरा मसाला एकदम पिस कर हो गया है रेडी, और देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, और मैं ये डब्बे फिल करके रख दूँगी। तो ये मेरा हो गया काम, कम से कम नहीं तो मेरा 3-4 महीने का काम तो हो ही गया, मुझे लाना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ ये बहुत अच्छा रहता है, घर का मसाला सही रहता है। और कोशिश करिएगा आप भी, जैसे मैं तो यही करती हूँ, धनिया हो गया, गरम मसाला हो गया, ये घर पे पीसती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर दिखा रही थी कि मैंने डब्बे सारे फिल करके लगा दिए हैं किचन में, कबर्ड में किचन की। और जो भरे हुए डब्बे होते हैं अच्छे लगते हैं, जैसे जैसे खाली होने लगते हैं फिर अच्छे नहीं लगते हैं। तो देखिए कैसे लग रहे हैं, यहाँ पर चाय रेडी हो रही है मेरी। तो चाय देखिए हो गई है रेडी, और मुझे ऐसे कढ़ी हुई चाय ही अच्छी लगती है, जब तक चाय को काढ़ काढ़ के अच्छा सा बढ़िया सा फ्लेवर ना आ जाए चाय का। तो चाय मेरी हो गई है रेडी, और अभी हस्बैंड नहीं है, बच्चे हैं और मैं हूँ, तो हम लोग चाय, क्योंकि थकावट बहुत हो गई थी और वैसे भी शाम हो गई थी तो फिर चाय पीना था, बच्चे आ गए थे ट्यूशन से, तो मैं बस वही चाय डाल रही थी, और मैं ये बिस्किट ख़त्म हो गए थे बॉक्स में तो मैं बिस्किट डाल रही थी। तो बस अब हम लोग चाय पियेंगे बच्चे और मैं मिलकर, और वैसे बच्चों को चाय देती नहीं हूँ मैं, बहुत कम होता है कि चाय पीते हैं, लेकिन ये कि जैसे पावनी को थोड़ा सा फीवर जैसा लग रहा था मुझे, तो मैंने उसको अभी दवाई दी थी, तो मैंने कहा थोड़ी सी चाय दे देती हूँ और अच्छा रहेगा, चाय थोड़ी सी पी लेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपनी चाय एंजॉय कर रही हूँ, और आप भी आ जाइए। तो फ्रेंड्स देखिए, शाम हो गई थी काफ़ी ज़्यादा वाली, और अब तक इस टाइम 7 बज गए थे, और मुझे देखिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पड़ोस में म्यूज़िक चलने लगा तो कॉपीराइट की वजह से। तो फ्रेंड्स देखिए, शाम को 7 बज चुके थे और मुझे एकदम से बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो मेरे को एकदम से ध्यान आया, मैंने आज ना ब्रेकफास्ट भी नहीं किया सुबह से, और हस्बैंड के साथ मैं कर लेती हूँ डेली, लेकिन आज उनको जल्दी जल्दी निकलना था, वो चले गए और मैंने नहीं किया, मैंने सोचा बाद में कर लूँगी, लेकिन काम के चक्कर में मुझे ध्यान ही नहीं रहा। तो मैंने देखिए अपने लिए खाना बनाया है, पराठे बनाए थे, राजमा की सब्ज़ी बनाई हुई थी और लौकी की सब्ज़ी बनाई थी, तो मैं बस वही खाना खा रही थी। आप लोग भी आ जाइए और खाना खा लीजिए। तो हो जाता है ऐसा, काम करते करते नहीं ध्यान देता कभी कभी, मेरे साथ तो अक्सर हो ही जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मेरा वीडियो मैं यहीं तक बनाऊंगी आज, और अगर आपको मेरा वीडियो किसी भी एंगल से अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग फर्स्ट टाइम आए हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आपको अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।